सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आवर न्यू व्लॉग। गाइस सॉरी अगर आपको थोड़ी बहुत भी हवा की आवाज़ आए ना, तो यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आज जहाँ पे मैं आया हूँ ना व्लॉग शूट करने, यार मैं अपना माइक अपने घर ही भूल गया। जब भी जैसे मैं व्लॉग शूट करता हूँ तो अपना माइक मैं साथ लेके चलता हूँ, वो तो आज यार घर रह गया, उसके लिए सॉरी। अब गाइस तुमने टाइटल और थंबनेल देख के तो पता कर ही लिया होगा ये व्लॉग आज का किस टॉपिक पर होने वाला है। अब यार ये एक तरीके से व्लॉग ना कि जितनी भी मेरी ऑडियंस है, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको हर एक चीज़ आपको बताता रहूँ, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, सौरभ जोशी व्लॉग्स को तो सभी जानते हैं, ठीक है, कोई नहीं जानता, सभी जानते हैं, इतने अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 10 मिलियन से भी ऊपर हैं, शायद 15 मिलियन के आसपास हो गए हैं, ठीक है। अब यार उनकी गाड़ी तो देखी होगी तुमने, कई सारी गाड़ियाँ उन पर, थार भी है, लेजेंडर भी है, फॉर्चूनर भी है, और एक इनोवा भी है शायद, वो तो बेच दी होगी, ठीक है। तो अभी तुमने देखा ये गाइड, यहाँ पे देखो कि ये फॉर्चूनर है उनकी, ठीक है। फॉर्चूनर से उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, और जिसमें उस एक्सीडेंट में एक आदमी की ना भाई जन तो हत्या हो गई है, लेकिन एक्सीडेंट तो हुआ है। अब यार वो ये नहीं पता वो आदमी जिंदा है या फिर मर गया है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखो ये फॉर्चूनर का हाल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सौरभ भाई की भी देखो कैसे उनके यहाँ पे ऑक्सीजन लग गई थी, उस समय की फ़ोटो है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे वो वाला बंदा देखो जिसको सौरभ भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना, जिसके बंदे का चोट लगी थी यहाँ पे, ये देखो एकदम स्ट्रेचर पे लेटा पड़ा है, और क्या नाम है भाई, ये अभी एक तरीके से कहते हैं ना कि कोमा में, ठीक है। इस तरीके की हालत हुई पड़ी है इस भाई की, ठीक है। अब गाइस इस सब को देखते हुए एक बंदे ने ये भी कहा था, यहाँ पे देखो उसका कमेंट, गाइस मैंने सोचा कि आपको भी ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ, सही रहेगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ देखो उस बंदे ने क्या लिख रखा है कि सौरभ भाई क्या नाम है, आपने एक दिन की उस, अब सौरभ भाई ने ना उसकी एक दिन की पट्टी करवा दी थी, अब पट्टी करवा के छोड़ दिया, अब पट्टी करवा दी, तो उस बंदे ने ये कहा यहाँ पे देखो कि भाई सौरभ भाई ऐसा आपके साथ भी हो जाए, सेम ऑन यू, इस तरीके से लिख दिया। अब गाइस बाकी आपको, आप बताओ क्या सौरभ भाई ने अच्छा करा था या गलत करा था, बस एक दिन की पट्टी करवा के छोड़ दिया, ठीक। बाकी गाइस जैसे मैं व्लॉग शूट करता हूँ ना यार, मैं ना अपने घर से करीबन 500 स्टेप्स, ठीक है, 500 कदमों की बहुत दूरी होती है, ठीक है, कम से कम आधा किलोमीटर तो हो ही जाता होगा, कम से कम आधा किलोमीटर दूर आके मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो मेरे पीछे एकदम बैकग्राउंड खाली खाली है, वो पीछे देखो हमारा गांव है, ठीक है, इतनी दूर आके मैं व्लॉग शूट करता हूँ, ठीक है, ये देखो। अब गाइस आपको एक बार थोड़ा सा व्यू भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। ठीक है गाइस, तुमने व्यू तो देखा ही होगा, और यार सौरभ भाई की ये वाली बात देख के या फिर ये वाला सीन देख के आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार व्लॉग अच्छा लगा हो ना तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, और कमेंट करके बताना ये आपको ये चीज़ कैसी लगी, ठीक है, जैसी मैंने बताई है आपको ये वाला सीन देख कर सौरभ भाई का, ठीक है। बाकी अभी चलते हैं, क्योंकि यार थोड़ा अब तुमने मौसम में देखा होगा, क्योंकि बादल बादल आ रहे हैं, बारिश का मौसम हो रहा है, ठीक है। और यार बारिश तो सुबह से पड़ी हुई है, यहाँ पर देखो पीछे पानी वानी भरे पड़े। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।